तो हम ले आए डीजल और ऑयल। हमारी रिपर में अभी ख़त्म हो गया है पेट्रोल, सॉरी डीजल, तो हम डालेंगे डीजल। ये देखिए यहाँ से, इसमें तो बिल्कुल कम नहीं है, तो कुछ नहीं है। अभी डालते हैं अपना डीजल। इसकी टंकी है 3.5 लीटर की और अपन डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन 1.25 लीटर। ये 1.25 लीटर डाल दिया है डीजल। ढक्कन कर देते हैं बंद। और रही बात अब अपने ऑयल की, शट, तो ऑयल हम डालेंगे इसके अंदर और इसके अंदर। तो इसमें से लेंगे अपन एक पन। कितने नंबर लगेगा? 10 नंबर लग जाएगा, 10 नंबर। ऑयल बॉक्स खोल दिया है, अब हम डालेंगे ऑयल जिससे मशीन बढ़िया काम करती रहेगी। तो इतना ऑयल डाल लेते हैं, अब ये सही है, चैन घूमती रहेगी अब। और जो बचा है तेल ऑयल इसमें, वो इसमें डाल देते हैं। ये भी हमने खोल दिया है, इसमें ये काला एकदम ऑयल है, इसको हम गिरा देंगे और नया ऑयल डालेंगे। चलिए अब नया ऑयल डाल देते हैं इसमें। और उसके बाद वापस लगा लेते हैं इसके ऊपर जो था, यानी कि ये, इसको लगा के वापस यहाँ पर इसको फिट कर देते हैं। ये यहाँ फिट कर दिया है, हमारा काम ख़त्म ऑयल का और डीजल डालने का। अब शुरू करते हैं हमारी रिपर को। और ये सारा ज्वार काटते हैं, उससे पहले अपन ने ये सारा काट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रिपर को। सबसे पहले अपन रस्सी लेके इसमें फिट करेंगे, उसके बाद इसको ऊपर करेंगे, रेस थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और इसको खींचेंगे जोर से। के साथ खत्म हो गई दोबारा।